मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत यदि आपको यह कहा जाए कि किसी भी कवि या साहित्यकार का जीवन परिचय आपको बताना है, जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, तो हम उनका जीवन परिचय किन किन बिंदुओं के आधार पर करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, क्वेश्चन आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि किसी भी साहित्यकार या कवि जिनका जीवन परिचय हमको देना है, उनका जीवन परिचय कराने के लिए हमको निम्न बिंदुओं का हमको अपनाना होगा। साहित्यकारों का जीवन परिचय उसकी कृति को पढ़ने से पूर्व करना अनिवार्य होता है, जिससे हम उनके जीवन के बारे में जान जाते हैं, उनका व्यक्तित्व के बारे में जान जाते हैं, वो किस विचारधारा के हैं, कैसा उनका जीवन रहा था, किस भाव से वो ओतप्रोत हैं, इत्यादि के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। और इसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके आधार पर हम किसी भी कवि का जीवन परिचय सरलता से कर सकते हैं और सभी बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें आप आज का मतलब है किसी भी कवि का परिचय कराने के लिए क्या क्या बिंदु हमको ध्यान में रखने चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में विचार करेंगे। इसमें लिखिए कुछ साहित्य साहित्यकारों का विचार है कि साहित्य पढ़ाने से पूर्व लेखक एवं कवि परिचय अवश्य देना चाहिए। प्रेरित होकर
प्रेरित होकर लेखन कार्य करने लगे। उनकी कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से लेखक का कवि परिचय किए बिना यदि हम पाठ का प्रारंभ करते हैं तो विद्यार्थियों को पाठ समझने में दिक्कत आती है। इसी के लिए ही जो है पाठ का परिचय भी कराया जाता है कि इस पाठ में किस कविता में क्या बात वर्णित की गई है, ठीक है। अब इसमें देखो जीवन परिचय करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर एक, जन्म स्थान कि लेखक का जन्म कहां और कब हुआ था, उनका स्थान कौन सा है जहां पर उनका जन्म हुआ था। जैसे सुमित्रा नंदन पंत जो है वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो प्रकृति का से ओतप्रोत वो कैसे हुए, क्योंकि जिस स्थान पर हिमाचल में अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ था वहां का प्राकृतिक सौंदर्य एक अपने आप में अद्वितीय अनुपम है, जिसको देखकर वह इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने काव्य की रचना में ही अपने प्रकृति का वर्णन जो है करना प्रारंभ कर दिया। और आज उनके समान प्रकृति का वर्णन अभी तक के समय में किसी अन्य कवि ने नहीं किया है, इसीलिए उनको प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा भी दी गई है। तो जन्म जो है स्थान उनका क्या है, दूसरा है जन्म तथा मृत्यु, ठीक है, कि जन्म कब हुआ था और कब वो उनका निधन हुआ था। तीसरा है पारिवारिक परिचय कि पारिवारिक परिस्थिति उनकी कैसी थी, कि निम्न वर्ग से थे, उच्च वर्ग से थे, मध्यम वर्ग से थे, उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव, आर्थिक स्थिति उनकी घर की कैसी थी, शिक्षित वर्ग से थे या अशिक्षित वर्ग से थे, जमींदार वर्ग से थे, कृषक वर्ग से थे, किस वर्ग से थे, वो उसका भी प्रभाव उनकी मानसिकता पे दिखाई देता है। तो जो हमारी मानसिकता होती है वही हमारे काव्य में भी वो दिखाई देगी। तो करनी शुरू की थी, जैसे
से उनको बहुत अधिक लगाव हो गया था और जब पत्नी पियर गई थी तो वो उनके साथ पीछे पीछे पियर चले गए थे और इसके कारण से पत्नी को ने उनको जो है एक डांट लगाई थी और उस डांट का प्रभाव उनके ऊपर इतना अधिक पड़ा, उनके मन पर इतना अधिक पड़ा कि उनके मन में एक बात उत्पन्न हुई कि इतना पत्नी रूहों में लुप्त होकर जीवन का कल्याण होगा, इससे अच्छा है कि भगवान के ध्यान लगाया जाए, भगवान का की आराधना की जाए। और इसी से वे प्रेरित होकर इसी घटना से वे के बाद से उन्होंने संहिता का निर्माण करना प्रारंभ किया और आज वहाँ आए अपने पास जो है रामायण जैसा महाकाव्य उपलब्ध है, वे उनकी उसी घटना की ही देन है जिसकी वजह से उन्होंने जो है साहित्य रचना काव्य रचना करने का प्रारंभ की थी। तो कोई भी कवि जब काव्य रचता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी घटना वे घटती है जिससे वो ओतप्रोत होकर भाव में भूत होकर जो है साहित्य की रचना करना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट है सातवां है व्यक्तित्व। ये उनका व्यक्तित्व है किस प्रकार का है, व्यक्तित्व प्रकृति जो है किस प्रकार का है। फिर है प्रतित्व, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं लिखी है, ठीक है, रचना क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन सी लिखी है। फिर उनकी भाषा शैली कौन सी है, और लास्ट है साहित्य में स्थान, ठीक है, कि उनकी कृति रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने क्या क्या वर्णन किया है। जैसे मैथिली शरण गुप्त जो थे जो राष्ट्र कवि की जिन कहलाते हैं, रामधारी सिंह और मैथिली शरण गुप्त दो ऐसे महान कवि हमारे हिंदी साहित्य में हुए हैं जिनको राष्ट्र कवि की भी संज्ञा से सम्मानित किया गया है। और इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा क्यों दी है, क्योंकि इनका जो काव्य है वो राष्ट्र को समर्पित है, रचनाएं राष्ट्र की राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने वाली है या किसी राष्ट्रीय जागृति को पैदा करने वाली है। मैथिली शरण गुप्त जो है उनका सारा काव्य आपने देखा होगा कि उन उपेक्षित महिलाओं को आगे उनके त्याग बलिदान को व्यतीत वर्णित करना रहा है, जिनका त्याग किसी ने भी सोचा नहीं था कि वास्तव में त्याग उन्होंने कहा किया है। जैसे जब राम को वनवास भेजा गया था तो राम सीता दोनों साथ में गए थे, ठीक है, तो जहाँ पति है वहाँ जंगल में भी मंगल है, तो वनवास दोनों पति पत्नी ने साथ में होगा था, उसकी कष्ट पीड़ा के साथ में, मतलब दोनों का वियोग नहीं हुआ था, परंतु लक्ष्मण जिसकी पत्नी उर्मिला थी उसके उसका और लक्ष्मण का जो त्याग था प्रमुख त्याग उनका था, जो दोनों अलग अलग रहकर उन्होंने गृह का दुख भी भोगा था, वियोग का दुख भी भोगा था और उस उर्मिला के त्याग और बलिदान का कहीं भी वर्णन नहीं किया जाता। उन्होंने इतिहास के उन उपेक्षित नारियों का नाम बनाने या उनके त्याग को उजागर करने का प्रयास अपने साहित्य के अंदर किया है। तो उसकी जो रचनाएं महाकाव्य तक उन्होंने लिखे हैं, तो वह उनकी रचनाओं के बारे में उसमें सारा कितनी लिखी, कौन कौन सी लिखी, किसमें किसका वर्णन किया गया, इन सब के बारे में इसमें बताया जाता है। नवा है भाषा शैली कि उनकी भाषा कौन सी थी, जैसे तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधि भाषा में पूरा साहित्य लिखा है, तुलसी सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा थी, ठीक है, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, जहाँ हम रहते हैं उस भाषा का ही हमारे ऊपर प्रभाव होता है और उसी भाषा उसको हम साहित्य के अंदर वर्णित करते हैं। दसवां है साहित्य में स्थान, कि आज
साहित्य जगत में उनकी जो कृति है उनको कितना और किस लेवल का जो है स्थान प्राप्त हुआ हुआ है। तो ये इन बिंदुओं का, इन 10 बिंदुओं को हम ध्यान में रखकर किसी भी कवि लेखक का यदि आपको जीवन परिचय करने के लिए बोला जाए तो इन 10 बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही हमको उनके बारे में वर्णन करना होगा, इनके जीवन परिचय बताना होगा। प्रेरणा
जीवन परिचय से छात्रों को लेखकों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से किसी भी कवि के परिचय को करने के लिए हमको जो आपको बिंदु बताए गए हैं उन बिंदुओं का बारे में संपूर्ण जानकारी करनी होगी और उसी के आधार पर हम उनका जीवन परिचय करेंगे, जिससे हम उस कवि के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकें, जो कि पढ़ने से पूर्व हमको होनी अनिवार्य भी मानी गई है। आज का प्रश्न कार्य का क्वेश्चन है, किसी एक प्रसिद्ध साहित्यकार का जीवन परिचय मुख्य बिंदुओं के आधार पर साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोते रहिए और जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर ही निकले। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये कामना करती हूँ कि आपका ये साल बहुत उज्ज्वल निकले, बहुत अच्छा निकले। इस साथ ही